नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माया क्रिएशंस में। और मैं यहाँ पे वीडियो लेके आई हूँ जो कि सेकेंड पार्ट है हमारे फ्लोर लेंथ गाउन क्रॉप टॉप का। तो यहाँ पे हमें जो ऊपर का जैकेट है वो बनाना है, साथ ही मैंने अंदर की गाउन बना के वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है चैनल में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये हमने नेट की साड़ी का, ये पुरानी साड़ी से हमने बनाया है नेट की, जो कि आजकल के ट्रेंड यूज़ में नहीं है, तो इसलिए हमने इसको रीयूज़ किया है। तो ये हमने साड़ी का आँचल निकाला है जो कि नेट का था, और बस वही साइज़ है जो मैंने गाउन बनाते समय अपने मेजरमेंट्स उस वीडियो में मेंशन किए हैं, आप एक बार उसे चेक कर सकते हैं। 35 इंचेस हमने यहाँ पे लिया है। और अगर आपके पास भी ऐसी नेट की कोई पुरानी साड़ी है और आपके घर में बच्चियाँ हैं तो आप उनके लिए बना सकते हैं, साथ में अगर अपने लिए चाहें तो वो भी बना सकते हैं। तो हमने साइज़ वही रखी है, साथ में ये फ्रंट से ओपन रहेगा ये जैकेट, तो हमने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग लिया है हर चीज़ कैलकुलेट करके। अगर आप भी चाहें तो आप भी अपने साइज़ के हिसाब से रखें इस चीज़ को। और ये जो अंदर का गाउन है इसके लिए सेम मैचिंग का कपड़ा हमने मार्केट से बाई किया था 1 मीटर। तो अगर आप इसकी डिटेल्स अंदर के गाउन की जानना चाहते हैं तो प्लीज़ एक बार मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। और सिर्फ अगर आपको जैकेट ही बनाना है तो जैकेट की ये वीडियो है पूरी, जिसमें स्टिचिंग और कटिंग है। तो ये फ्रंट का हिस्सा हम काट रहे हैं अपने जैकेट का, तो जैसे कि अकॉर्डिंग जैसे है गाउन हमारा, जैसे डिज़ाइन है नेट की, सेम टू सेम हम पहले इसीलिए कर रहे हैं कि जो डिज़ाइंस है वो हमारा सामने में आए और बैक में जो है वो प्लेन रहे, तो कुछ उस हिसाब से हमने कटिंग यहाँ पे लगाई है। तो यहाँ पे सिर्फ अभी हम फ्रंट का हिस्सा निकाल रहे हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमने ये गाउन ही रख करके और मेजरमेंट्स ले ली हैं, और साथ में लगभग 1 से 1.5 इंच 2 इंच तक हमने एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है जो कि सिलाई में जाएगा। तो ये पहले हम सिर्फ फ्रंट का भाग अलग से कटिंग कर लेंगे, साथ में साथ साथ हम यहाँ पे 6 इंच हमने शोल्डर मार्किंग कर ली है, 5 इंच आर्म होल मार्किंग कर ली है। और चूंकि इसका गला डीप नहीं रहेगा तो ये हमारा आर्म होल हो गया। तो सेम हमने गाउन को रख के कटिंग कर ली है यहाँ पे। और आप वीडियो को एंड तक देखें और पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ में अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके दबा लीजिएगा बेल आइकन, जिससे जब भी मैं लेटेस्ट अपडेट्स नए वीडियोस लेके आती हूँ, कुछ आपके कमेंट्स पे बेस्ड होते हैं तो, और ज़्यादातर मेरी वीडियोज़ होती हैं कि पुराना अगर आपके घर में कोई कपड़ा या बेडशीट या जो भी पड़ा है उसको रीयूज़ करना है तो आप कैसे करें। साथ में आपको पार्लर की कुछ भी टिप्स मिल जाएंगे और साथ में ही आपको मिल जाएगी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यूज़ की कुछ वीडियोस। तो ऑल इन वन मेरा चैनल है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे एक बार सब्सक्राइब कर लें और साथ में दबा लें बेल आइकन। तो यहाँ से बीच से हमने पोर्शन अलग कर दिया है साइज़ काटने के बाद, क्योंकि ये जैसे कि मैंने बोला कि फ्रंट से ओपन रहेगा तो एक फ्लावर की डिज़ाइन एक तरफ आएगी। मैं यहाँ पर आपको लगा कर भी दिखा देती हूँ ये ऐसे। तो जिस कलर की आपकी साड़ी है नेट है आप उसी कलर का ये सैटिन का कपड़ा ले लें मार्केट से, उसमें थोड़ी शाइनिंग रहती है तो वो अच्छा लगेगा, तो कुछ ऐसे लुक आएगा इसका। उसके बाद बारी आती है ये फ्रंट की। तो यहाँ पे हमने मार्किंग कर ली है कुछ वी शेप में, ताकि गला हमारा थोड़ा ब्रॉड दिखे, क्योंकि ये थोड़ा ओपन रहेगा सामने से। और आस्तीन इसका हम फुल रखेंगे, तो आस्तीन भी हम अपने जो लेंथ है आस्तीन की, जितनी लेंथ आपको रखनी है आप अपने अकॉर्डिंग रखें। और यहाँ पे फिर अगेन हमने जो बचा हुआ नेट है उसको फोल्ड करके और इसको रख लिया है आधे पोर्शन को, और यहाँ पे हम निकाल लेंगे पीछे का हिस्सा, तो ये हमारा पीछे का हो जाएगा हिस्सा। तो साइज़ सेम टू सेम वही रहेगी, इसलिए हमने ये फ्रंट के पार्ट को लोकेट कर दिया है और बस मार्किंग करके हम कर लेंगे इसकी कटिंग।
तो मार्किंग होने के बाद यहाँ पे हम करेंगे इसकी कटिंग। तो बैक के पार्ट में जैसे कि आप देख सकते हैं फ्लावर्स के प्रिंट नहीं है, हमने बहुत ही होशियारी से इसको नोटिस करके निकाला है। तो आप भी जहाँ तक हो सके ये कोशिश करें, क्योंकि बैक के पार्ट पे तो उतनी डिज़ाइंस अच्छी नहीं लगती। तो ये सब क्रिएटिविटी है जो कटिंग्स के वक्त हमें थोड़ी सी ध्यान देनी पड़ती है कि आपका कपड़ा कैसा है, आपकी साड़ी कैसी है। और उसके बाद हमने इस साड़ी का लेस भी निकाल के रख लिया है, जो कि लेस हम लास्ट में अटैच करेंगे, जो कि इस साड़ी में ऑलरेडी लगा हुआ था। तो उस लेस को लगाने के बाद ये गाउन बनके बहुत ही खूबसूरत तैयार होगा और एकदम रेडीमेड गाउन जैसा लगेगा। मार्केट में आप जाएंगे लेने तो आपको 1000 के आसपास पड़ेगा, लेकिन अगर आप यही चीज़ अगर आप घर में बना लेते हैं तो शायद 100 या 200 में बहुत ही डिज़ाइनर गाउन बनके रेडी हो जाएगा। तो अगर आपके साड़ी में लेस नहीं है तो उसका ऑप्शन ये है कि आप मार्केट से न्यू लेस बाई करके मैचिंग का लगा सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक आप देखिएगा ज़रूर। यहाँ पे हमने कर ली अपनी आस्तीन कटिंग।
Thank you.
आप जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ हमने लगा के दिखा दिया है सिलाई के बाद। तो और यहाँ पे आप ऊपर में चाहे तो एक बटन शो बटन हुक कर सकते हैं ताकि ऊपर में थोड़ा सा बंद रहे। तो होप मेरी आपको ये वीडियो पसंद आई।